फ्रेंड्स, दिस इज़ डॉक्टर सचिन गोस्वामी एंड आई वेलकम यू ऑन आर यूट्यूब क्लासेस गोस्वामी क्लासेस। दोस्तों, आज मैं आपको जेन ऑस्टन, जो कि अपने लिमिटेड रेंज के लिए जानी जाती हैं, उनका एक फेमस वर्क प्राइड एंड प्रेजुडिस पढ़ाने वाला हूँ। और ये जो वर्क है दोस्तों, प्राइड एंड प्रेजुडिस, ये स्टोरी है मिस्टर और मिसेस बेनेट फैमिली की। तो मिस्टर जो बेनेट फैमिली है, उनकी कहानी है। उनकी 5 बेटियाँ होती हैं और वो 5 बेटियां कौन हैं? जेन, एलिजाबेथ, मैरी, किटी और लीडिया। ये 5 बेटियां जो हैं, ये बेनेट फैमिली में 5 बेटियां हैं। और ये कहां पर रहती हैं? लॉन्गबॉर्न नामक स्थान पर ये रहती हैं। और जो ये पांचों की पांचों बेटियां होती हैं, ये पांचों ही कुंवारी होती हैं। ये पांचों की पांचों जो बेटियां हैं वो क्या होती हैं? वो पांचों की पांचों बेटियां कुंवारी होती हैं। और इनकी जो मिसेस बेनेट हैं, मिसेस बेनेट की सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम मान लीजिए या सबसे बड़ी इच्छा मान लीजिए, वो यही है कि अपनी पांचों बेटियों के जल्दी से हाथ पीले कराना, यानी कि जल्दी से उनकी शादी कराना। और उनकी शादी को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान ये रहती हैं। अब एक दिन क्या होता है, जो मिसेस बेनेट हैं, उनको ये बात पता चलती है कि उनके पड़ोस में चार्ल्स बिंगले नाम का एक रईसजादा, वो रहने आया है। और कहाँ पर ये रहने आया है? नीदरफील्ड पार्क एस्टेट में ये रहने आया है। दोस्तों, स्थान का नाम याद रख लेना, नीदरफील्ड पार्क एस्टेट में ये रहने आया है। और उनके घर से थोड़ी ही दूर ये एस्टेट होता है। तो वो ये इच्छा व्यक्त करती हैं कि कहीं ना कहीं मैं अपनी एक बेटी का तो भाई इसके साथ अफेयर जरूर चलवाऊंगी और उससे इसकी शादी कराऊंगी। तो देखो, ऐसी माँ कोई देखी आपने, जो खुद ही अपनी बेटी का चक्कर चलाना चाहती है और इसके साथ साथ वो जल्दी से छुटकारा पाना चाहती है, ये मान के भी चल सकते हैं। पांचों की शादियाँ वो कराना चाहती है, और छुटकारा इन द सेंस ये नहीं कि वो परेशान है, छुटकारा इन द सेंस कि वो अपनी जो जिम्मेदारियां हैं उनको पूरा करना चाहती है, जल्दी से उनको कंप्लीट करना चाहती है। अब मिसेस बेनेट को जब ये बात पता चलती है तो उनको लगता है कि उनकी कोई सी भी एक बेटी जो है वो बिंगले के साथ अगर जो अट्रैक्ट हो जाए, बिंगले के साथ अगर जो आकर्षित हो जाए, तो उनकी जो एक प्रॉब्लम है एक बेटी को लेकर, वो तो बिल्कुल दूर हो ही जाएगी। और जो बिंगले की बात करें, जिनका पूरा नाम चार्ल्स बिंगले हैं, वास्तव में बहुत एक मिलनसार व्यक्ति है ये, देखने में हैंडसम लुक है और बहुत अच्छा लगता है, और इनसे ये मीटिंग फिक्स करती हैं। तो मिस्टर बेनेट जो हैं, इनकी मिस्टर बिंगले से मुलाकात होती है। और इसी बीच में यहाँ पर जो चार्ल्स बिंगले हैं, चार्ल्स बिंगले एक बॉल पार्टी का आयोजन करवाते हैं। बॉल पार्टी मतलब जो डांस की पार्टी होती है, इसमें जितनी भी सोसाइटी थी, जितने भी वहाँ के लोग थे इर्द गिर्द के, सभी को इनवाइट किया जाता है। और इस पार्टी में जो चार्ल्स बिंगले की सिस्टर होती हैं कैरोलिन और लुइसा बिंगले, वो भी वहाँ पर आती हैं। अब चार्ल्स के साथ उस पार्टी में चार्ल्स बिंगले का एक क्लोज फ्रेंड है, हैंडसम व्यक्ति है, जिसका नाम है डार्सी, पूरा नाम है फिट्स विलियम डार्सी, तो ये भी वहाँ पे आता है। और डार्सी की बात करें तो ये अपने दोस्त बिंगले से भी ऊपर क्लास का है, ठीक है ना, बिंगले से भी रिच क्लास हम इसको कह सकते हैं जो डार्सी है। डार्सी वहाँ पर आता है। अब चार्ल्स बिंगले को लोग सब वहाँ पर जितने भी लोग हैं वो सब पसंद करते हैं, क्योंकि वो एक अच्छे नेचर का व्यक्ति होता है। और चार्ल्स बिंगले मिस्टर एंड मिसेस बेनेट की जो बड़ी बेटी होती है, जिसका नाम है जेन बेनेट, मिस्टर एंड मिसेस बेनेट की बड़ी बेटी का नाम क्या है? जेन बेनेट है। उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है और उसको डांस के लिए ऑफर करता है, और वो दोनों एक साथ डांस भी करते हैं। लेकिन जो डार्सी है, उसके अंदर ये जो प्राइड एंड प्रेजुडिस की फीलिंग है, ये हमें देखने को मिलती है। स्नोबिश टाइप का व्यक्ति है, थोड़ा घमंडी भी टाइप का व्यक्ति है, और थोड़ा सीरियस वो रहने वाला व्यक्ति है, बहुत ज़्यादा गंभीर उसमें रहता है वो।
इसी बीच में जो जेन की छोटी बहन होती है एलिजाबेथ, जब मिसेस बेनेट एलिजाबेथ से कहती है कि वो जाके डार्सी के साथ डांस करे, तो डार्सी जो है वो उसके साथ डांस करने से मना कर देता है। और यहाँ पर जो लोग हैं वो डार्सी का एक एटीट्यूड देखते हैं और वो समझ जाते हैं कि किस प्रकार का ये व्यक्ति है। अब इसी भी इसके बाद में दोस्तों, चार्ल्स की जो सिस्टर्स होती हैं कैरोलिन और लुइसा, वो क्या करती हैं, वो जेन को अपने यहाँ पर बुलाती हैं, क्योंकि आपको पता है कि चार्ल्स जो था वो जेन से अट्रैक्टेड था, तो जेन्स को अपने यहाँ पर बुलाती हैं। जेन जो है, जो जेन बैनेट है, वो भी वहाँ पर चली जाती है और वो वहाँ पर जाती है। और उसी बीच में, क्योंकि वो वैसे एक घोड़े गाड़ी से वहाँ पर गई थी और रास्ते में वो भीग जाती है क्योंकि बारिश हो जाती है तेज, और भीगने के कारण वो बीमार पड़ जाती है, और यही कारण है कि उसको वहाँ पर रुकना पड़ता है। अब एक खबर जाती है मिस्टर एंड मिसेस बेनेट फैमिली को कि ऐसे ऐसे जैन बीमार हो गई है, और उसकी देखभाल के लिए अगर जो घर से कोई आ जाए तो और अच्छा रहेगा, क्योंकि नियर डियर जो होता है अपने घर का जो होता है उसकी बात अलग रहती है। तो उसकी देखभाल के लिए जो उसकी छोटी बहन होती है एलिजाबेथ, एलिजाबेथ को वहाँ पर भेजा जाता है। अब जो डार्सी है वो एलिजाबेथ को उसके नेचर को देखकर और उसके एटीट्यूड को देखकर उसको पसंद करने लगता है, ठीक है ना। डार्सी किसको पसंद करने लगता है, वो एलिजाबेथ को उसके नेचर को लेकर देखकर पसंद करने लगता है। दोस्तों मैं ऊपर अभी गलती से बोल गया था कि डार्सी जो था वो डेन से, सॉरी जेन से अट्रैक्ट था, वो बाय मिस्टेकन हो गया था, दैट वाज अ स्लिप ऑफ टंग, तो उसके लिए जस्ट अपोलोजाइज। वो मैं बिंगले कहना चाह रहा था, वो गलती से डार्सी मुंह से निकल गया था, तो उसको आप करेक्ट कर लेना। तो जो डार्सी है वो एलिजाबेथ, क्योंकि एलिजाबेथ के साथ उसने डांस करने से मना कर दिया था, और अब वो एलिजाबेथ को जो है एक तरह से उसके तौर तरीके को वो उसको अच्छा लगने लगता है। और दूसरी तरफ जो एलिजाबेथ थी, एलिजाबेथ के मन में भी डार्सी के प्रति फीलिंग्स जो थी अराइज हो रही थी। और यहाँ पर जो चार्ल्स की बहन है, यानी कि चार्ल्स बिंगले की जो बहन है, उसको ये चीज़ अच्छी नहीं लगती। क्यों नहीं लगती, क्योंकि उसकी जो सिस्टर है वो खुद डार्सी को पसंद करती है। अब जब जेन सही हो जाती है तो जेन और एलिजाबेथ जो है वो डिसाइड करते हैं घर जाने का, और जब वो घर जाते हैं तो वहाँ पर वो देखते हैं कि एक व्यक्ति है जिसका नाम है मिस्टर कॉलिंस, वो वहाँ पर आया हुआ है। मिस्टर कॉलिंस कौन थे, मिस्टर और मिसेस बेनेट फैमिली के एग्जिस्टेंट रिलेटिव थे, और या फिर यूं कह लो कि इन लड़कियों के चाचा थे, लेकिन पैसा बहुत ज़्यादा था उनके पास। अब कॉलिंस जो थे, कॉलिंस मिस्टर एंड मिसेस बेनेट फैमिली में एलिजाबेथ से वो अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं शादी के लिए, लेकिन एलिजाबेथ उस चीज़ को बिल्कुल रिजेक्ट कर देती हैं। और इसके बाद दोस्तों वो जेन की तरफ भी टर्न होते हैं, लेकिन जेन भी उस चीज़ को रिजेक्ट कर देती हैं। अब यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, इसी बीच में एक मिलिट्री कैंप का आयोजन यहाँ पर जो है सोसाइटी के पास में किया जा रहा है, और वहाँ पर विकहैम नाम का एक धूर्त व्यक्ति है, स्काउंड्रल टाइप का व्यक्ति है दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा बुरा व्यक्ति है विकहैम। और ये वही व्यक्ति है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि लीडिया द यंगेस्ट डॉटर एलॉप्ड विद हुम, कि किसके साथ भागी थी, तो विकहैम के साथ भागी थी। तो विकहैम जो है वो उसकी मुलाकात एलिजाबेथ से होती है, और वो एलिजाबेथ को क्या बताता है, एलिजाबेथ को ये बताता है कि डार्सी ने उसके साथ धोखा किया था, और उससे धोखा करके उसने जितनी भी उसकी प्रॉपर्टी थी सारी उससे छीन ली। अब इसी बीच में एलिजाबेथ की जो फीलिंग थी डार्सी के लिए बीच में बनने लगी थी, लेकिन यहाँ पर एलिजाबेथ की जो फीलिंग्स होती हैं डार्सी को लेकर अब वो चेंज होने लगती हैं, और वो डार्सी को बुरा व्यक्ति समझने लगती है। और इसी बीच में जो चार्ल्स बिंगले और जो डार्सी हैं वो लंदन के लिए निकल जाते हैं। अब जब ये बात जेन को पता चलती है तो जेन बड़ी परेशान हो जाती है, बड़ी दुखी सी हो जाती है। अब वो करे क्या,
अब जो कॉलिंस थे, कॉलिंस ने पहले एलिजाबेथ को ट्राई किया, फिर जेन को ट्राई किया, लेकिन कहीं बात ना बनी। तो उन्होंने एलिजाबेथ की एक क्लोजेस्ट फ्रेंड थी जिनका नाम था शार्लॉट, तो शार्लॉट को ऑफर कर दिया शादी के लिए। और शार्लॉट जो है वो इस बात को मान भी रहती हैं, और वो अपने उम्र से बड़े व्यक्ति के साथ यानी कि मिस्टर कॉलिंस के साथ शादी कर लेती हैं। और इसी बीच में जो एलिजाबेथ है वो अपनी फ्रेंड से ये प्रॉमिस करती है कि वो उससे मिलने लंदन जरूर आएगी। अब इसी बीच में जो जेन है वो अपनी आंट मिसेस गार्डनर के पास कहाँ जाती है, लंदन जाती है। और ये किस उम्मीद में लंदन जाती है, क्योंकि उसको उम्मीद थी कि वहाँ पर उसकी मुलाकात चार्ल्स से होगी। किससे होगी? चार्ल्स बिंगले से होगी। और यहाँ पर चार्ल्स की बहन से उसकी मुलाकात होती है, और वो उसे बहुत ही अभद्र तरीके से उससे बात करती है, उसके साथ पेश आती है। और इसी बीच में जो जेन है वो बड़ी डिसअपॉइंटेड हो जाती है, और उसको लगता है कि शायद चार्ल्स जो है उससे अब शादी करना नहीं चाहता है। और इसी बीच में जो एलिजाबेथ है वो अपनी फ्रेंड शार्लॉट से मिलने लंदन जाती है। अब शार्लॉट का जो घर था वो लेडी कैथरीन के घर के पास था, और लेडी कैथरीन कौन थी? वो डार्सी की चाची लगती थी, डार्सी की आंट थी। और एक दिन डार्सी अपनी आंट के पास आता है तो उसने एलिजाबेथ को देखा, और जब उसने एलिजाबेथ को देखा तो उसके वो आंट के यहाँ पर बार बार आने लगा। क्यों? क्योंकि ताकि वो एलिजाबेथ को देखने का उसको मौका बार बार मिलता रहे। और इसी बीच में उसकी मुलाकात एलिजाबेथ से हो जाती है, और एलिजाबेथ के सामने वो मैरिज प्रपोजल रख देता है। एलिजाबेथ ने एकदम उसके प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया, और उसको बहुत भला बुरा वो कहने लगी। और वो उसको ये बताती है कि किस प्रकार से उसने विकहैम के साथ ट्रीट किया है, किस प्रकार से उसने विकहैम को धोखा दिया है। और डार्सी उस समय वहाँ से चुपचाप निकल जाता है, लेकिन वो एलिजाबेथ को एक लेटर भेजता है, और उस लेटर में वो क्या बताता है, उस लेटर में वो बताता है कि जो भी विकहैम ने उसको बताया वो बिल्कुल गलत था। और कारण क्या था? वो कारण ये था कि वो उसकी सिस्टर से शादी करना चाहता था, और उसने उसको मना कर दिया था। और वो ये कहता है बिजनेस की तो कहीं से कहीं तक कोई बात ही नहीं थी, और इस वजह से वो मुझसे बदला लेना चाहता है, और यही कारण है उसका मुझसे बदला लेने के। अब इसी बीच में जब ये बात उसको पता चलती है तो उसकी जो फीलिंग्स हैं वो डार्सी के लिए जो है वो बदलने लगती हैं, ठीक है ना। एलिजाबेथ की जो फीलिंग्स हैं डार्सी के लिए बदलने लगती हैं। और उधर जो जेन है वो जेन और जो बिंगले हैं वो एक दूसरे से क्लोज में आते हैं। और लेकिन यहाँ पर एक घटना घटित होती है। घटना क्या घटित होती है कि जो एलिजाबेथ और जेन की 15 ईयर्स ओल्ड सिस्टर थी जिसका नाम था लीडिया, उसको वो भगा कर ले गया। कौन? विकहैम जो है वो भगा कर ले गया, धूर्त भगा कर ले गया। और किस वजह से भगा कर ले गया? डॉरी के लिए भगा कर ले गया, ताकि उसको रिश्वत मिल जाए। और जबकि जो मिस्टर और मिसेस बेनेट फैमिली थे वो तो ऐसा परिवार देख रहे थे कि जहाँ से उल्टा उनकी बेटियों को मिल जाए और उनकी बेटियाँ खुश रहें, लेकिन यहाँ पर उनके साथ उल्टा ही हो गया। अब करें तो करें क्या, इतना पैसा तो इनके पास नहीं था कि वो पैसा कहाँ से वो पैसा आए। अब इसी बीच में जो एलिजाबेथ है, ठीक है ना, एलिजाबेथ और डार्सी को जब ये बात पता चलती है, एलिजाबेथ डार्सी से इस बात को शेयर करती है, और डार्सी उनको वादा करता है कि वो उनकी मदद जरूर करेगा। और डार्सी जो है उनकी मदद करने के लिए उनको हेल्प करता है, और हेल्प क्या करता है, वो उनको जो डोरी की डिमांड एक तरह से उसने रखी थी, जो विकहैम ने डोरी की डिमांड रखी थी उसको वो पूरा करता है। और मिस्टर और मिसेस बेनेट जो हैं वो लीडिया को लेने वापस भी जाते हैं, लेकिन उनकी बात नहीं बन पाती हैं। और लेकिन जो डार्सी है वो उनके लिए, ठीक है, डार्सी जो है वो उनके लिए एक होप ऑफ मतलब रेज ऑफ होप बनकर आता है, क्योंकि
क्योंकि डार्सी ही था वो व्यक्ति जिसने उनके परिवार की इज्जत को नीलाम होने से बचाया था, क्योंकि विकहम ने यह कह दिया था अगर मुझे पैसा नहीं मिला, अगर मुझे पैसा नहीं मिला तो मैं लीडिया को छोड़ दूंगा। और इसी लेकिन डार्सी ने, जैसे कि मैंने आपको बताया कि डार्सी ने उसकी मदद की और उसको जो एक रैंसम था, जो एक अमाउंट था, वो भी पे किया। और इसके बाद दोस्तों लीडिया तो किसके साथ, लीडिया जो थी वो विकहम के साथ और जो डार्सी है वो एलिजाबेथ के साथ, और उधर जो बिंगले हैं वो जेन के साथ इनका सेटलमेंट हो जाता है। और इस वजह से जो मिस्टर और मिसेस बेनेट है, और स्पेशली मिसेस बेनेट जो है, उनकी जो टेंशन है वो एटलीस्ट उनकी तीन बेटियों की जो टेंशन है वो ख़त्म हो जाती है। और इसी के साथ दोस्तों इसका अंत हो जाता है, इस वर्क का एंड हो जाता है, जो कि प्राइड एंड प्रेजुडिस है बाय जेन ऑस्टन एंड एक्सप्लेन बाय डॉक्टर सचिन गोस्वामी। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, लाइक और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।